ताकि वो YouTube पर आ जाएगा। यस सर। यस, सभी को नमस्कार। पीएमसी शारजा और पीएमसी मुंबई की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं श्रीकांत कुलकर्णी और यमुना जी और हमारे पीएमसी के सारे साधक आपके साथ जुड़े हैं। तो ये जो शुरुआत आपने की है शारजा में, पीएमसी शारजा की, जिसमें सौम्या जी ने लीड लिया है, उसके साथ हम सब लोग हैं। मैं अकेला नहीं, पूरी मुंबई आपके साथ में है और उसी के साथ पूरा इंडिया, पूरा पीएसएमसी आपके साथ है। तो आपको हमेशा आकर सारा ज्ञान और ध्यान, हम अपना जो भी है वो पूरा बांटने के लिए यहाँ आ जाएंगे और आज से इसकी शुरुआत है। वैसे नीला जी ने तो पुणे से आकर कर ही दी है, अब हम भी आते रहेंगे। ओके, सो आप सबको वेलकम करते हुए मैं ध्यान का सब्जेक्ट आज का बताता हूं। यह है आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन। जब हम ध्यान कर रहे हैं, यह उसके पीछे कौन सी कला है और कौन सा शास्त्र है, क्योंकि ये जो ध्यान हम सिखा रहे हैं आनापान सति ध्यान, ये पूरी तरह शास्त्र ने, आज के साइंस ने, टुडे साइंस, ऑल द वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसके ऊपर पूरा रिसर्च करके इसको एक्सेप्ट किया है। एंड एंटायर मेडिकल फैकल्टी आजकल पूरी तरह से ध्यान करने के लिए लोगों को उत्साहित कर रही है। हमारे साथ काफी डॉक्टर जुड़े हुए हैं। बेंगलोर वाले जानते होंगे कि बेंगलोर में पिरामिड वैली के अंदर पत्री जी ने इसका पूरा एक लैब बना हुआ है, मेड लैब करके, जहां पर इसका पूरा संशोधन आज भी होता है और 40 साल से स्वयं पत्री जी इस पर करते आ रहे हैं। क्योंकि हमारे जो संस्थापक है ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, वे स्वयं एक साइंटिस्ट है। उन्होंने पहले दिन से इस ध्यान के ऊपर और पिरामिड के ऊपर पूरा संशोधन किया है और उन्होंने अपने साथ सबसे पहले डॉक्टर की एक टीम इकट्ठा कर ली, डॉक्टर न्यूटन कोंडावेट्टी और उनकी वाइफ डॉक्टर लक्ष्मी, और इनके साथ कई ऐसे डॉक्टर्स उनके साथ जुड़ गए और उन्होंने इस तरह के सारे प्रयोग किए। सबसे बड़ा प्रयोग उन्होंने किया एक लार्ज स्केल के ऊपर विशाखापट्टनम में, जहाँ पर डॉक्टर जी के, इनको कहते हम गोपाल कृष्णन करके, उनका स्वयं का हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में उन्होंने 50 लोगों के ऊपर ये सारा एक्सपेरिमेंट किया है ध्यान का। उन्होंने ऐसे लोग इकट्ठा किए, अलग अलग जिनको डिसीज है, ऐसे 50 लोग, और उनमें से आधे 25 लोग जो है उनका एक सेक्शन रखा, बाकी 25 लोगों का एक सेक्शन किया, जहां पहले 25 लोगों को कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट दे रहे थे, जो उनकी नॉर्मल एलोपैथी की दवा रहती है उसकी ट्रीटमेंट, और बाकी 25 लोगों को जो कि सिमिलर डिजीज थे उनको उस ट्रीटमेंट के साथ साथ ध्यान भी करवा रहे थे। इस तरह से पूरा उन्होंने 30 डेज का प्रयोग किया और उनका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनके पास है कि सिमिलरली जो लोग बिना ध्यान से सिर्फ दवाई ले रहे थे उनको तो पूरा महीना से ज्यादा लग गया ठीक होने में, लेकिन जो ध्यान कर रहे थे उस सारे के सारे 10 दिन के अंदर ठीक होके घर पे चले गए, विद इन 10 डेज। और इसी तरह का प्रयोग यहाँ पर मुंबई में ठाणा में भी हुआ है, जुपिटर हॉस्पिटल करके बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ठाणे में, मुंबई के पास जो ठाणा है वहां पर, वहां आज मेडिटेशन हॉल करके एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया है उन्होंने, कैप्ट हॉल, और वहां पर डॉक्टर मिसेस दलाल और बाकी सारे डॉक्टर्स ऑफिशियली जिनकी इच्छा है, जो मानते हैं, उन पेशेंट्स को ध्यान सिखाते हैं, ध्यान करवाते हैं। इन्होंने भी इसी तरह से पत्री जी के गाइडेंस से वहां पर इसी तरह से प्रयोग किए काफी पेशेंट्स के ऊपर। उन्होंने 30 लोगों के ऊपर प्रयोग किया और मेरे पास राइटिंग में लेटर है, जुपिटर हॉस्पिटल के लेटर हेड पर साइन किया हुआ उनके डीन का, जो उन्होंने पत्री जी को 4 साल पहले लाकर दिखाया और अपने हाथ से डॉक्टर दलाल ने पत्री जी के हाथ में दिया, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि उन्होंने 30 पेशेंट्स के ऊपर इस तरह से प्रयोग किया
कि नॉर्मल ट्रीटमेंट ऑफ एलोपैथी और दूसरे बाकी तीस ध्यान और वही ट्रीटमेंट। तो उन्होंने भी यही लिखा है कि 1/3 ऑफ द टाइम में नॉर्मल टाइम जो उनको चाहिए था उसके 1/3 टाइम में वो सारे पेशेंट्स ठीक होकर चले गए। तो अब ये प्रोवन चीज है, इसलिए आप जो ध्यान कर रहे हैं तो ये पूरा निश्चिंत रहिए कि इस ध्यान से आप पूरी तरह सुखी होने वाले हैं। पूरी तरह सुखी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तो प्रयोग हुआ शरीर के ऊपर, लेकिन इसके आगे जाकर पूरे दुनिया में इस तरह से प्रयोग हुए हैं और अभी मेडिकल साइंस ने यह मान लिया है कि जो शरीर पर रोग आते हैं दे आर ऑल साइकोसोमेटिक। सबसे पहले रोग हमारे शरीर पर नहीं आता है, वो भावनाओं में आता है, यानी हमारे जो 7 शरीर है उसके अंदर का जो एथेरिक बॉडी है जिसको हमें मनोमय कोश कहते हैं पहले वहां पर आता है। ये तो हमारा पुराना साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस जो पुराना हजारों साल पहले का, लेकिन आज के साइंस ने उसको जानकर उसको एथेरिक बॉडी का नाम देकर उन्होंने मान लिया है कि यस फर्स्ट दिस कम्स। अभी इसका भी प्रूफ आपको बताता हूं। यहाँ इंडिया में भी पुणे में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम है MIT इंजीनियरिंग कॉलेज, कोथरूड में पुणे में है। वहां पर उसके जो प्रिंसिपल है और संस्थापक है डॉक्टर कराडे, उन्होंने इसका एक पूरा अलग से सेक्शन वहां पर बनाया है। वहां पर उन्होंने एक स्पेशल कैमरा बनाया है जिस कैमरे से ध्यान करने के पहले जो भी व्यक्ति जिसको कोई तकलीफ है वो आता है उसका फोटो निकालते हैं। उस फोटोग्राफी को बोलते हैं किरलियन फोटोग्राफी। तो ये किरलियन फोटोग्राफी का वहां पर सेक्शन है। तो उस फोटो में हमारे शरीर के आसपास अलग अलग कलर की ऊर्जा का लाइन पूरा आता है और उसमें कलर दिखते हैं, जैसे ब्लैकिश या ग्रेज कलर ऐसा आता है समझ लीजिए चेस्ट के पास में। तो दैट मींस मेरे चेस्ट में वो एग्जैक्ट स्पॉट आता है, वेदर इट इज इन दैट एरिया और एग्जैक्ट स्पॉट उसको बड़ा करके कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है, देयर इज सम प्रॉब्लम, इस तरह से आता है। फिर 1 घंटा उस व्यक्ति को ध्यान करवाते हैं। 1 घंटा ध्यान करने के बाद फिर से उसको किरलियन फोटोग्राफी से फोटो निकाला जाता है, फिर उसके अंदर सारे वो कलर्स में आता है और उसमें दिखाई देता है कि सिर्फ 1 घंटा ध्यान करने से वो जो ब्लैकिश और ग्रीनिश स्पॉट थे वो पूरा कलर उसका चेंज होकर येलोइश ग्रीनिश तक आ जाता है। इसका मतलब क्या है, पहले हमारे जो बाहर की बॉडी है और उसके अंदर कोई भी रोग आता है, इसलिए सबसे पहले जब हम इस तरह की फोटोग्राफी में देखते हैं तो शरीर पे रोग आने के पहले ही पता चल जाएगा आपको कि आपके शरीर में रोग आने वाला है, इट्स ऑन द वे, अभी घुसने की तैयारी है उसकी, तो उसके पहले ही आप कर सकते हैं और इसके लिए ध्यान करने से ठीक हो जाता है। इस तरह के काफी प्रूफ्स है जिसके जो बताएगा कि अगर किसी का भी कोई मानसिक तकलीफ हो, शारीरिक तो आराम से हो जाता है, शारीरिक कई तरह के रोग, मैं लास्ट 12 साल से मुलुंड में जो पिरामिड बना है वहां पर लास्ट 12 इयर्स मेरा स्वयं का अनुभव होने के बाद इस तरह से ध्यान सिखा रहा हूं और हजारों लोग, लिटरली थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल द डिसीज़, सारे के सारे 100% ठीक होकर गए। और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि 12 साल पहले मुझे पता लगा कि मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस जो है यहाँ पर उसमें 3 मणके ऐसे चिपके हुए थे, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये आपका ठीक होने वाला नहीं है, यू हैव टू कंटिन्यू टू कीप ऑन टेकिंग पेन किलर्स, या तो वो ऐसा कॉलर लगा के घूमो, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो मैंने योगा वगैरह सारा ट्राई किया, तो योगा से तो फर्क पड़ता था लेकिन टेम्पररी पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्नायु है उनमें इलास्टिसिटी जैसे बढ़ जाती थी तो वो पेन नहीं होता था, लेकिन वो वैसे ही नहीं रहता था, थोड़ी दिन के बाद में फिर से शुरू हो जाता था। और ये सीखने के लिए मैं सीधा हरिद्वार चला गया। उस समय रामदेव बाबा मिलते थे, रामदेव बाबा से मिला मैं, उनको बताया कि ये मेरा ठीक नहीं हो रहा है इतना सब करने के बाद भी,
उन्होंने पूछा मुझे क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कौन से आसन किए, कौन से किए, प्राणायाम कौन सा किया, सब बताया मैंने उनको। और फिर कहा कि आप 10 दिन यहाँ रुक जाइए, देखते हैं। तो मैं 10 दिन वहां पर रहा और वहां के सुपरविजन में वो सारा किया, लेकिन उसके बावजूद भी वही प्रॉब्लम था। 10 दिन के बाद रामदेव बाबा ने स्वयं मुझे बताया, बेटा अब आपको ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि ये अष्टांग योग का, पतंजलि का नियम है, ये हठ योग से जो भी आपका ठीक नहीं होता है उसकी अगली कड़ी है ध्यान योग की, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा जिसमें आपका पक्का ठीक हो जाएगा। वो सुनकर फिर मैं वापिस आ गया मुंबई और ध्यान सीखने के लिए बेंगलोर गया, पत्री जी से ध्यान सीखा और वापिस आके रोज 12 घंटे से 15 घंटे तक मैं ध्यान करता था घर पे। पत्री जी ने कहा था जब पहले सुनाया कि आपको पहले ध्यान सीखना होगा और ज्यादा से ज्यादा करना होगा, तो पहले ही दिन जब मैं ध्यान कर रहा था पत्री जी के साथ, तो थोड़ी देर के बाद में बहुत दर्द होने लग गया। मैं बोले ये क्या बता रहे, ये तो दर्द बढ़ रहा है, ये कौन सा तरीका है? लेकिन वो बोल रहे थे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो, आंखें बंद करो, जब तक मैं ना कहूं आंखें नहीं खोलना किसी का, कोई भी दर्द हो शरीर में उसको सहना है। सुन के तो मैं आंखें बंद करके ध्यान में बैठा रहा, उनका संगीत चल रहा था, बांसुरी बजा रहे थे, बहुत अच्छा ध्यान लग रहा था। 2 घंटे के बाद पत्री जी ने जब मुझे ध्यान से निकाला, हम करीब 100-150 लोग थे उस समय, तो जैसे ही आंखें खुली तो मेरा यहां पर जितना भी दर्द हो रहा था वो पूरा दर्द गायब हो गया और मैं ऐसी ऐसी गर्दन करने लगा। मैं बोला ये इज रियली समी, कुछ जादू किया इन्होंने, नहीं तो ऐसे कैसे होगा। पूरा 2 घंटा तक मेरा दर्द बढ़ता था और जैसे आंखें खुली दर्द गायब। तो मैंने बोला ये दिस इज अ मिरेकल। तो मैंने पूछा पत्री जी ये ऐसे ऐसा हो गया, आपने कुछ किया? मुझे ऐसे लग रहा मेरी गर्दन के अंदर किसी ने ग्रीसिंग कर दिया है। वो हंसने लगे, बोले कुलकर्णी साहब मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ना ही आपसे कोई जादू किया है, ना ही मेरे पास कोई मैजिक है, ना ही कुछ मिरेकल है, यह सारा मिरेकल आपने स्वयं किया है। बोले मैंने क्या किया? बोले ध्यान नहीं किया आपने? हाँ बस, तो ये ध्यान की वजह से हुआ है। तो बोले बस थैंक यू सर, मेरा अभी ठीक हो गया। बोले नहीं बेटा इतना जल्दी नहीं जाएगा। इतने जन्मों के जो कर्म है वो ऐसे एक मिनट में कैसे जाएंगे? तो पत्र जी ने बताया मुझे, देखो ये सारे जो कर्म होते हैं ये भुगतने तो पड़ते हैं। अब सवाल है आप ये असली जिंदगी में भुगतते रहो या फिर ध्यान की जिंदगी में भुगतते। मैंने बोला ध्यान की जिंदगी ये क्या चीज है? बोले जब आप ध्यान में जाते हो तो 1 घंटा 2 घंटा यू आर आउट ऑफ टाइम एंड आउट ऑफ स्पेस, क्योंकि आप इस थर्ड डायमेंशन में नहीं रहते। आपको भले ही बाहर की आवाज सुनाई देती है लेकिन आप पूरी तरह सा दूसरे डायमेंशन में चले जाते हो और इसमें कई जन्म आप जी लेते हैं। तो अभी आपने आपका पूर्व जन्म का जो भी घटना होगा वो आपने जी लिया। इसी तरह से ज्यादा समय आप ध्यान करोगे तो ये ध्यान के समय आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत पेन, जो आपको अगली पूरी जिंदगी में भुगतना चाहिए वो आप ध्यान में भुगत लो, यानी शॉर्टकट में भुगत लेना है। तो ध्यान ये हमारे जीवन का एक शॉर्टकट है कर्म भुगतने का। बोला बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे लाखों रुपए देकर हॉस्पिटल में बैठे रहो, आईसीयू में पड़े रहो 24 घंटा और ऊपर से उनको पैसे दो और फिर इंजेक्शन लेते रहो और कुछ करते रहो, उससे अच्छा है घर में बैठू ना। बोले 24 घंटे मेरे पास, तो मैं 24 घंटे ध्यान करूंगा। तो पत्नी जी बोले बहुत अच्छे, जरूर करो, जल्दी अच्छे हो जाएंगे, फिर आपको 40 दिन रुकना ही नहीं पड़ेगा। तो बोले ठीक है सर। तो वहां से मैंने 2 पिरामिड खरीदे, यहाँ पर मुंबई में जब पिरामिड नहीं था 2x2 के, तो वो पिरामिड लेकर मुंबई आ गया। तो दोनों पिरामिड मैंने अपने बेड के ऊपर लगा दिए और उसके नीचे बैठकर ध्यान करने लग गया।
धीरे धीरे बढ़ा के मैंने इतना ध्यान किया कि रोज 12 घंटे से 15 घंटे ध्यान कर दिया। एक डेढ़ घंटा दो घंटा किया, फिर इधर गया, फिर ध्यान किया, फिर ऐसे करके 24 घंटों के अंदर मैं 12 से 15 घंटे ध्यान करने लग गया। लेकिन वो पूरे समय इतना दर्द होता था कि पूछो मत, हर समय में मरता था ध्यान में इस दर्द से। लेकिन क्योंकि पत्री जी ने कहा था वो तो बढ़ने वाला है ध्यान में, या तो आप पूरी जिंदगी भर उस दर्द को सहते रहो या फिर ध्यान में शॉर्टकट में सुन लो। मैं ये बात तो बिल्कुल समझ गया, मैं बोला ये तो और अनुभव किया है मैंने दो घंटे में वहां पर, तो और उसके बाद ठीक हो जाता। तो वैसे होता था, जैसे मैं ध्यान से निकलता था कोई दर्द नहीं होता। 15 दिन करने के बाद 16वें दिन सवेरे फिर मैं ध्यान के लिए बैठ गया, आधा पौन घंटा हो गया, कोई दर्द नहीं, मेरी समझ में आ गया बस मेरा दर्द गया, अभी आई एम फ्री नाउ। जैसे भागा मैं इधर मुलुंड में नजदीक जो हॉस्पिटल में मेरा डॉक्टर है उसी के पास गया, जिसने पहले मेरा एक्सरे निकाला था। उसको बोला देखो मेरा ऐसा ऐसा ही, जल्दी से एक्सरे निकालना है। बोले ठीक है, एक्सरे निकाला। वो एक्सरे देख के बोलता अरे ये तुम्हारा एक्सरे नहीं है। वो बोले ठीक है सर दूसरा निकालते हैं। मैं बोले क्या जल्दी है? नहीं नहीं अभी करना है, मैंने बोला। इमीडिएटली सेकंड एक्सरे निकाला, तीनों के तीनों के जो चिपके हुए थे पूरे अलग हो गए थे, डॉक्टर भी हक्का बक्का हो गया। मैं तो बड़ा खुश हो गया क्योंकि मुझे प्रूफ मिल गया, जो कि हम जनरली विश्वास नहीं करते, मैं भी नहीं करता। फिर उसके बाद में 12 साल हो गए कोई तकलीफ नहीं। और ये समझने के बाद फिर मैंने पत्री जी के पास जाकर उनके सारे प्रवचन सुने, उनके सारे कोर्सेस किए, डॉक्टर न्यूटन के कोर्सेस किए, काफी सारे किताब पढ़े, पूरा रिसर्च किया उसके ऊपर। और पत्री जी ने कहा कि अब आप ध्यान सिखाओ जब आपको फायदा हो गया। मैं बोला बिल्कुल सर वही करने वाला हूं। और यहाँ के मैं हजारों लोगों को ध्यान सिखाया, जितने लोगों को ध्यान सिखाया है 100% रिजल्ट है सबका। इसके अंदर काफी कैंसर के पेशेंट है, डायबिटीज है, सभी तरह के, यू नेम द डिसीज एंड इट इज देयर। क्योंकि डिसीज के नाम हमने दिए है, डॉक्टर्स ने दिए है, मानव ने दिए है। ये जो कॉस्मिक ऊर्जा है उससे ये नामों से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने आप सारे शरीर को हील करते जाती है, नाड़ी शुद्धि करती है, इसी के साथ मन की शुद्धि होती है और आत्मा की भी शुद्धि होती है। तो मेरा जो कर्म था वो मुझे बाद में जो पहली बार जो मैंने आपको शुरुआत बताई नहीं, वो थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, जिसमें मैंने डॉक्टर न्यूटन से देखा था कि मैं एक ग्रीक सोल्जर था और सोल्जर में लड़ाई करते करते एक दूसरे सोल्जर ने मेरी मुंडी बरोड़ दी और उसमें मेरी डेथ हो गई। एंड दैट आई एक्सपीरियंस एंड सॉ इन माय पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो उसके बाद डॉक्टर न्यूटन डायरेक्टेड मी टू पत्री जी फॉर लर्निंग मेडिटेशन। तो इस तरह से ये पूर्व जन्म का जो है कर्म वो मैंने देख लिया, हमारी आत्मा के ऊपर वो सारे कर्म चिपक कर आ जाते हैं और वही भावनाओं के रूप में, और फिर भावना फिर विचार के रूप में, और विचार फिर शरीर के ऊपर आ जाते हैं और जिसे हम कहते हैं ये रोग है वो रोग है वो रोग है बस और कुछ नहीं। तो ये कर्म हो सकते हैं भले हमारे इस जन्म के या पूर्व जन्म के। तो ये सारा जो है खेल निसर्ग का खेल है और ये निसर्ग के खेल को खेलने के लिए निसर्ग की ही मदद लेनी चाहिए। इसलिए हमें याद रखना कि हम भी इस निसर्ग के एक भाग हैं और इसलिए यह नैसर्गिक ध्यान जो है जिसका नाम भगवान बुद्ध ने दिया है आनापान सति ध्यान, जिसके लिए भगवान बुद्ध ने काफी तपश्चर्या की, 500 योगियों के पास गुरुओं के पास गए समझने के लिए ये मानवों के सारे दुखों से कैसे छुटकारा पाना। आप जानते हो उनकी स्टोरी सिद्धार्थ की, जब वो राजकुमार थे और जैसे बाहर गए तो उन्होंने लोगों के दुख देखे, उनसे देखे नहीं गए, तो उन दुखों को निकालने के लिए वो जंगल में चले गए और उसके बाद उनको ये आनापान सति ध्यान का पता चला और उन्होंने सभी पूरी दुनिया में फिर इसका फैलाव किया, जिसका बाद में लोगों ने नाम दे दिया उस धर्म को बौद्ध धर्म करके। लेकिन उनके मन में उस समय ऐसा कोई धर्म का सवाल नहीं था, वो तो पूरी मानव जाति के लिए है। तो यह ध्यान 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के 150 साल के सभी व्यक्ति कर सकते हैं, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। इसके काफी फायदे हैं,
अगर बच्चे करते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, अनचाही आदतें अनचाहे विचार है उनसे छुटकारा मिलता है, स्ट्रेस होता है काम में बिजनेस में वो स्ट्रेस से छुटकारा मिलता है, तनाव कम हो जाता है और फिर मानसिक शांति मिलती है। तो जो भी लोग खास करके अभी जो हमारे इंडिया छोड़कर अपने करियर के लिए बिजनेस के लिए वहां गए हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत ज्यादा उपयुक्त है। जब हम अपना घर छोड़ते हैं अपने लोगों को दूर छोड़कर आते हैं तो एक नैसर्गिक तनाव आ जाता है कभी कभी। तो आप जब ध्यान करोगे तो ये पूरी तरह के सभी तरह के तनाव से मुक्त हो जाओगे। किसी भी तरह का तनाव हो जो अपनों को अपने लोगों से अपने प्यारे लोगों से दूर होने का तनाव होता है या काम का तनाव होता है, भाषा का तनाव होता है, एटमॉस्फेयर का होता है, दूसरे पराए लोगों के साथ रहने का कभी कभी तनाव आ जाता है, संस्कृति अलग होती है उसका तनाव आ जाता है, इससे कई तरह के होते हैं। ये सभी तरह के तनाव से छुटकारा गारंटीड 100% सिर्फ ध्यान करने से। और ये अनुभव की बात बता रहा हूं मैं और ये पूरा रिसर्च हुआ है। आपको अगर देखना है तो हमारे यहाँ डॉक्टर न्यूटन का इसके ऊपर पूरा रिसर्च पेपर है, दूसरे है डॉक्टर लक्ष्मी है और कई लोगों के हैं। अब उन्होंने कैसे बताया ये मैं आपको बता दूं। जैसे हम ध्यान करते हैं तो शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अभी ध्यान में जैसे ध्यान आने के पहले अगर हमको तनाव है, हेडेक हो रहा है या कोई टेंशन है तो उस समय डॉक्टर्स ने देखा कि ये टेंशन करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनका नाम है कॉर्टिजोल। ये कॉर्टिजोल का स्तर हमारे इसमें बढ़ जाता है, हमारी जो रक्त नलिकाएं होती है जिसमें से रक्त बहता है वो चौड़ी हो जाती है बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, जैसा भी उनका स्तर है उस तरह से, और ये तनाव बढ़ते जाता है। तो कॉर्टिजोल की उसकी वजह है। लेकिन जैसे ही फिर उसके बाद उन्होंने देखा अब ये लोग ध्यान में जब जाते हैं तो हमारे शरीर में ब्रेन के अंदर में डोपामाइन नाम का हार्मोन आने लगता है और उससे हमें शांत लगने लगता है। तो कितना भी आपका तनाव हो या सिर में कितना भी दर्द हो जिसको माइग्रेन कहते हैं, माइग्रेन के कई पेशेंट मेरे सामने ठीक हुए यही मुलुंड के अंदर, जो दो गोलियों से माइग्रेन के लिए लेते थे बाद में चार करनी पड़ी, 8 गोलियां लेते थे उसके बावजूद भी उनका सर ऐसे पकड़ के बैठते थे, ऐसा कपड़े से बांध के बैठते थे पूरी तरह से, घर के सब लोग दबा रहे और ये चिल्ला रहे और दर्द हो रहा है इस तरह से पूरा हंगामा करते थे। ऐसे व्यक्ति को जब उनके भाई ने मुझे बुलाया कि अरे क्या करो ये 8-8 गोलियां ले रहे फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो अभी हमने तो डॉक्टर से बात करना बंद कर दिया कि क्या है, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं अभी आता हूँ। तो तुरंत उनके घर गया मैं, उनको सब बोला आप अभी सब बाजू हो जाओ मैं इनके साथ बात करता हूँ, आप कोई मत रुको। उनके बेडरूम में अकेले वह व्यक्ति और मैं, उनको धीरे धीरे बात करते करते मैंने ध्यान लेके गया, गाइडेड मेडिटेशन करवाया, इतने गहरे ध्यान में गए वो कि 2 घंटे तक ध्यान में थे। 2 घंटे बाद जब उनको निकाला ध्यान से तो प्यारे उनको ये आप कब आए, उनको याद ही नहीं। मैं बोला ऐसा अरे लेकिन अभी तो कोई दर्द नहीं है मुझे, आपने पूरा निकाल दिया। वो उधर बाजू में गोलियां पड़ी थी पुलिस को फेंक देता हूं। उसके बाद में रेगुलर ध्यान करने लगे, सिर्फ 1 महीने के अंदर उनका पूरा माइग्रेन खत्म हो गया। तो इस तरह के चमत्कार होते हैं ध्यान से, इस तरह के सभी रोगों के रिकॉर्ड मेरे पास हैं। और इसी के साथ जो मानसिक तनाव है वो भी जाता है। बच्चों के लिए तो सारे स्कूल में हम यहाँ मुंबई में जाते हैं, सभी लोग जानते होंगे ऑल दी स्कूल्स, तो सबसे पहले मैं उनके टीचर को सिखाते, क्योंकि जैसे प्रिंसिपल को मिलते हो तो कहते हैं हाँ हाँ बच्चों को सिखा दो, तो हम कहते हैं अरे बच्चों को तो सिखाएंगे लेकिन पहले आपके टीचर्स को, उनको ज्यादा आवश्यकता है भाई। घर में 1 या 2 बच्चों को संभालते हमारी हालत खराब हो जाती है, तो वो तो 60-70 बच्चों को संभालते हैं उधर। तो टीचर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, जबकि उनको दोष दिया जाता है
कुछ भी घटना हो जाती है स्कूल में बच्चे के साथ, तो हम बोलते हैं वो टीचर ऐसे ही है। इसलिए टीचर्स को पहले सिखाते, जब टीचर्स पूरी तरह दो चार दिन ध्यान सीख जाते हैं तो फिर उनका काउंसिलिंग करता हूं कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए कभी भी, कितने भी शरारत करने वाले हो, ना सुनने वाले हो, क्योंकि साइकोलॉजिकल असर इसका ऐसे होता है। ये ध्यान से समझ में आता है, जो ये तनाव हम देखते हैं कॉर्टिसोल, वो बच्चों में भी होता है, क्योंकि जब आप ज्यादा डांटते हो बच्चों को तो उनके लिए भी यही कॉर्टिसोल बढ़ता है और फिर आगे उसकी तकलीफ बढ़ती जाती है बच्चों। इसलिए भले बच्चा हो या आपका पति हो या पत्नी हो, किसी को भी डांटना या झगड़ा करना बहुत गलत बात है। ये मैं पहले सभी टीचर्स को सिखाता हूँ और उसके बाद में फिर उनके सामने एक दो क्लास बच्चों के लेते हैं, फिर वही सिखाने लगते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आए ध्यान के, और कुछ भी नहीं, सेम मेडिटेशन। और उसको यही बताते हैं, जितनी आपकी आयु है उतने मिनट आपको कम से कम यह ध्यान करना है। अगर 10 साल का बच्चा है तो 10 से 15 मिनट वो ध्यान करेगा तो काफी है, अगर उसे कोई तकलीफ नहीं है। अगर उसे कोई तकलीफ है मेरे जैसी, जैसे मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस था, इस तरह का कोई डिजीज है या कोई दूसरी मन की तकलीफ है, तो फिर उसे ज्यादा करना पड़ता है। या अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो वो, अगर 40 साल की व्यक्ति है तो 40 मिनट ध्यान करें काफी हो जाता है, और रात को सोने के समय जरूर जरूर करना है और ध्यान करते करते सो जाना है। भले ही रात को सोने के लिए आप कितने भी लेट हो जाते हो, कितने भी थक गए हो कि अब क्या जल्दी से सोना है, लेकिन फिर भी बेड पर बैठकर ही भले 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके ध्यान करना है और ध्यान करते करते सो जाना है, तो फिर नींद में भी यह ध्यान चलता रहेगा, आपकी नींद बन जाएगी योग निद्रा और सुबह पूरी तरह तरोताजा होकर उठेंगे आप। फिर दिन में जब भी समय मिलेगा ध्यान कर लेना। ऐसा ही यह ध्यान, जिसे हम कहते हैं एटीएम, अरे नॉर्मल एटीएम नहीं, उस एटीएम में तो अगर आपके अकाउंट में पैसे है तो ही निकलेंगे। ये एटीएम जो है, जो हमें पत्री जी ने सिखाया है, आपके अकाउंट के पैसे कितने हैं वो तो देखता ही नहीं है। ये ध्यान का एटीएम है, एनी टाइम मेडिटेशन एटीएम। ये एटीएम जैसे आप शुरू कर देंगे, यह ध्यान का कार्ड आप ले लेंगे, ध्यान करना सीख जाएंगे, तो ध्यान का ये कार्ड कहीं भी आ गया, फिर उसके लिए एटीएम मशीन ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसी भी समय कहीं भी आप बैठ जाइए तो ये ध्यान का कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके लिए सिर्फ आंख बंद करना है, सांसों की तरफ ध्यान देना है बस। अगर आपके पास कहीं भी 5 मिनट का समय मिलता है ध्यान कर लीजिए। आप ट्रेवल कर रहे हैं फिर भी ड्राइविंग करते समय नहीं करना है, और रसोई पकाते समय नहीं करना, बाकी कभी भी कर सकते हैं एनी टाइम। ऐसा है ये एनी टाइम मेडिटेशन। कहीं भी हो, भले ऑफिस में हो, घर में हो, शादी में गए हो, फंक्शन में गए हो, पार्टी में गए हो, कितनी भी आवाज आ रही हो, अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा बाजू में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लो, सांस की तरफ देखो, मेडिटेशन हो जाएगा। बाहर की कोई भी आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आवाज आपको सुनाई देगी। भले आप डांस पार्टी में हो, वहां भी बैठ कर ध्यान कर सकते हो, वो पार्टी की आवाज आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देगी, अगर आप पूरे दृढ़ निश्चय से ध्यान में लगे हो। आवाज जरूर सुनाई देगी लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेगी, यह ध्यान की खासियत। इसलिए यह है एनी सर्कमस्टांसेस मेडिटेशन। और क्या चाहिए, इतनी बढ़िया चीज, फ्री ऑफ चार्ज, घर में बैठकर, नो कॉस्ट। आपको सिर्फ देना है मन का निश्चय और मन से समय। लेकिन क्या कहते हैं, ओ इधर मेरे पास टाइम ही नहीं है, दिस इज द नॉर्मल कंप्लेंट। तो हम आपको कहना चाहते हैं भाई, जब भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ शुरुआत कीजिए। जिस दिन आपके पास टाइम हो उस दिन सिर्फ ध्यान सीखने के लिए टाइम दीजिए।
और जब भी आपको अनुभव आएगा उसके बाद में जब भी आपको टाइम मिलेगा उसी समय 10 मिनट 15 मिनट करते जाइए। जैसे जैसे आपको अनुभव आते जाएगा फिर आप धीरे धीरे ध्यान बढ़ाते जाओगे और फिर आपके समझ में आ जाएगा कि आपकी एफिशिएंसी काम की इतनी बढ़ जाएगी कि जो काम करने के लिए आपको 2 घंटे लगते हैं वही काम आप 1 घंटे में पूरा करोगे और उस काम में कोई गलती नहीं होगी, इतना एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। फिर क्या चाहिए, आपके पास समय ही समय, भले वो काम ऑफिस का हो, बिजनेस का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो या घर का रसोई का, कुछ भी होने दो। आज अगर हमें चपाती बनाने या हमारे राइस कुछ भी सब्जी बनाने में जितना समय जाता है, ध्यानी बनने के बाद आप बिल्कुल आनंद से शांति से आधे समय में कर लेंगे। यमुना जी से पूछिए, वो बताएगी आप। घर का सारा काम करके सवेरे 3 बजे से ध्यान में लग जाती है, घर का रसोई भी सब स्वयं ही करती है, बच्चे भी हैं, पति है, सबका पूरा संसार करके फिर ऑफिस भी जाती है, बिजनेस भी करती है, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नाम की कोई चीज नहीं है। और कभी बोलेगी नहीं मैं इतना सवेरे से काम कर रही हूं ना, तो ये मुझे पास समय नहीं है इसको कहना अपने आप बंद हो जाता है। ये ध्यान की खासियत है, इट इम्प्रूव योर एफिशिएंसी लाइक एनीथिंग, पूरी डबल से ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कोई भी गलती करता है बच्चा या ऑफिस के लोग भी, उनको ध्यान सिखाइए, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस के अंदर में वी हैव 70 पीपल, सारे 70 लोगों को जैसे मैंने ध्यान सिखाया, रोज 1 घंटा सब ध्यान करते हैं, आधा घंटा करके ऑफिस में ही, वी हैव अलाउड देम द ऑफिस टाइम। इतनी एफिशिएंसी बढ़ गई है पूछो मत, सारे झगड़े आपस के पॉलिटिक्स सब खत्म हो गए। यह मेडिटेशन है, और क्या चाहिए, किसी भी तकलीफ होने दो। पत्री जी ने बोला सबका एक ही कैप्सूल देने का सबको, बस। और वो उसका कोई ऐसा डोसेज नहीं है कि दिन में 3 बार लेना खाने के बाद, खाने के पहले, कुछ भी नहीं है। इस कैप्सूल को कभी भी लेना, जब भी आपकी इच्छा हो, जितनी चाहे लेते जाओ। मैं 12 घंटे ध्यान करता था तो 12 कैप्सूल हो गई, और क्या चाहिए, कोई तकलीफ नहीं। ज्यादा समय ध्यान करने से कोई अपाय नहीं है। दूसरी दवाई तो थोड़ी भी ज्यादा ले लो तो प्रॉब्लम हो जाता है, ज्यादा क्या, एलोपैथी की दवाई थोड़ी ले लो तो भी उसके बैड इफेक्ट्स होते हैं, उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इतनी बढ़िया चीज आपको आज मिली है, तो अभी ध्यान करें हम सब लोग, ठीक है। ऑल आर वेटिंग, यस, आधा घंटा ध्यान करेंगे, यस यस, सभी चश्मे निकाल दें। यमुना जी बहुत बढ़िया संगीत लगाएगी। यस सर, हम सामूहिक ध्यान में बैठ रहे हैं, सामूहिक ध्यान की शक्ति 3 गुना ज्यादा होती है। सर बहुत से अच्छे से गाइड करेंगे, उनके साथ सब काम छोड़ के हमें कुछ समय अपने आप के लिए देना है। थैंक यू सो मच। चश्मे निकाल कर बैठ जाइए, अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके बैठे, सीधे बैठे, लेकिन पीठ के अंदर तनाव ना हो। कुर्सी पर बैठे हो तो आप आराम से बैठना है, जमीन पर बैठे हो तो सीधी पालथी मारकर बैठना है, पद्मासन नहीं करना है, ठीक है। और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में इस तरह से फंसा लेना है, और आंखें बंद करके यहाँ पर नासिका के अंदर जो हमारी सांस आती जाती है उस सांस की तरफ सिर्फ ध्यान देना है। कोई भी मंत्र नहीं कहना है, कोई भी जाप नहीं करना है, और किसी भी भगवान की या गुरु की मूर्ति आंखों के सामने नहीं लाना है। यह हम भगवान के विरुद्ध नहीं है, लेकिन जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें विचारों से दूर जाना है, तो इसीलिए हमें जाप या भगवान का नाम, यह भी एक विचार होता है, इसलिए कोई भी विचार नहीं, ठीक है। उसके बाद में आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तो ध्यान के समय सिर्फ हमने सांसों की तरफ ध्यान देना है और सभी विचारों से दूर रहने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आपको गाइड करते जाऊंगा, आप उसी तरह से ध्यान में बैठ जाइए, और जब तक मैं ना कहूं कोई आंखें ना खोलेगा, आंखें खोलने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। शुरू करते हैं।
सभी आंखें बंद कर दें, आराम से बैठ जाएं। नैसर्गिक रीत्या चलने वाली इन सांसों की तरफ ध्यान देते रहें, जो अपने आप चलती रहती है, निरंतर चलने वाली ये सांस, इन सांसों की तरफ ध्यान देना है। जानबूझ के सांसों को लेना या छोड़ना नहीं है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। कोई भी विचार आता है उसे आने दो और जाने दो, और तुरंत ध्यान दे अपनी सांसों की तरफ, बस, और कुछ भी नहीं करना है। सांसों के साथ और विचारों से दूर, नैसर्गिक रीत्या चलने वाली ये सांस जो हमें जीवित रखती है, निरंतर चलती रहती है, इन सांसों की तरफ सिर्फ ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। लगे रहे सांसों के साथ और विचारों से दूर, बस, और कुछ भी तो नहीं करना है। स्थिर शरीर, स्थिर आसन और ध्यान पूरा सांसों की तरफ, तो धीरे धीरे विचार कम होते ही जाते हैं। यही निसर्ग का नियम है। इसीलिए पूरे दृढ़ निश्चय के साथ हमें अपनी सांसों के साथ एक होने की कोशिश करनी है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। निरंतर चलने वाली ये सांसें, इन सांसों की तरफ ध्यान देते हैं और कुछ भी नहीं करना है। सांसों के साथ और विचारों से दूर। इसी क्रिया को करते रहे, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। कोई भी विचार आता है उसे आने दें और जाने दे, बस, और कुछ भी नहीं करना है, और तुरंत ध्यान देना है फिर से अपनी सांसों की तरफ। इसी क्रिया को कहते हैं ध्यान। इतना आसान है, यही है नैसर्गिक ध्यान, नैसर्गिक रीत्या चलने वाली सांसों के साथ एक हो जाना है, बस। तो धीरे धीरे हमारा ब्रह्मरंध्र खुलने लगता है, जो है सुषुम्ना नाड़ी का ओपनिंग, और बाहर से विश्व शक्ति का प्रवेश होता है पूरे शरीर में, और शुरू हो जाती है नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि यानी पूरे शरीर की शुद्धि। पूरे शरीर में जहां भी कहीं भी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी रोग हो, ये सब कुछ ठीक कर देगी यह विश्व शक्ति। शरीर के सभी अवयवों में जाकर, शरीर के सारे सेल्स में जाकर यह विश्व शक्ति ठीक कर देती है सबको, छुटकारा देती है सभी तरह के रोगों से, सारे दर्द
सभी तकलीफों से। इसी को हम कहते हैं हीलिंग, यही है सेल्फ हीलिंग। हमें सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहना है और इस हीलिंग के समय शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दें। हमें सिर्फ सांसों की तरफ ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। और इसीलिए इस ध्यान को कहते हैं सर्व रोग निवारिणी ध्यान। सभी तरह के रोगों से मुक्ति देता है यह ध्यान। बस इसी तरह लगे रहना है अपने आप के साथ, अपनी ही इन सांसों के साथ जो चलती रहती है निरंतर हमें जीवित रखने के लिए। पूरी कृतज्ञता के साथ इन सांसों की तरफ ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांसों के साथ और विचारों से दूर। हो सकता है बहुत सारे विचार आ जाए इकट्ठा, तो कोई बात नहीं, विचार तो आते ही रहेंगे। विचारों को आने दो और जाने दो और तुरंत ध्यान दे अपनी सांसों की। विचारों का आना जाना चलते ही रहता है और यही है मन की शुद्धि, यही है मन का वॉमिटिंग। जैसे वॉमिटिंग के बाद शरीर को ये बहुत सारे विचार, भले अच्छे हो बुरे हो, आते हैं, आने दो और जाने दो। हमें उन विचारों के साथ नहीं रहना है, तो वॉमिटिंग की तरह वो निकल जाएंगे और पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा हमारा मन, हमारे सारे विचार सभी अनचाहे विचारों से मुक्ति मिलेगी, सभी अनचाही आदतों से मुक्ति मिलेगी। समय सिर्फ ध्यान देना है अपनी सांसों को बस, और कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह से हमें जो आदत होती है बार बार वही विचार करने की, पूरे दिन में शास्त्रज्ञों ने देखा है हर व्यक्ति 60,000-70,000 विचार आते हैं हमारे मन में दिन में, एक दिन में। और इसमें 95% विचार वही होते हैं जो घटना घट गई है उनके विचार, और वही बार बार। और उसमें भी आप अगर एनालिसिस करके देखो, लिखते जाओ कौन से विचार आपके मन में आते हैं, तो पता चलेगा वही सिर्फ 3-4-5 विचार होते हैं बस, वही बार 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 वही विचार आते रहते हैं और उसी के साथ हम रहते हैं। फिर इसी को कहते हैं चिंता करने की आदत। फिर यही चिंता हमारे शरीर पर आ जाती है किसी ना किसी रोगों के रूप में, और फिर हम काटते हैं चक्कर डॉक्टरों के। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए इस ध्यान को कहते हैं सर्व दुख हारिणी ध्यान, और इसीलिए यह ध्यान बन गया है सर्व सुखकारिणी ध्यान। इसी तरह लगे रहें अपने आप के साथ निरंतर अपनी सांसों के साथ, और कुछ भी नहीं करना है,
हम भी तो निसर्ग का ही एक भाग है, तो धीरे धीरे एक हो जाएंगे हम उस निसर्ग के साथ। जैसे ही हमारा शरीर मन और आत्मा एक हो जाता है तो तुरंत हम जुड़ जाते हैं उस निसर्ग के साथ। यही तो है वननेस, और क्या है, पूरा एकत्रीकरण। इस ध्यान में पूरी तरह डूब जाना है तो अपने आप महसूस होने लगती है वो शांति। यही तो है आत्म शांति, जिसको हम ढूंढते फिरते कहीं कहीं और इधर उधर जाते हैं इस शांति को ढूंढने। तो हमारे ही अंदर है, हमारे ही पास है। उस शांति के पास जाने का, उस शांति को अपने अंदर लाने का एक ही तरीका है, अपनी सांसों के साथ और विचारों से दूर, बस। और कुछ भी तो नहीं करना है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, सांसों के साथ और विचारों से दूर, यही करते रहना है। कितना आसान ध्यान है ये, कितनी शांति, इसी निरव शांति में डूबे रहे, पूरी तरह जुड़ गए हैं हम निसर्ग के साथ। जैसे ही किसी निसर्ग में जाकर पेड़ के पास, पौधों के पास, गार्डन में, या किसी अच्छी तरह जाकर जो निसर्ग का आनंद मिलता है, वही आनंद घर में बैठे बैठे सिर्फ आंखें बंद करके मिलता है, क्योंकि हम जुड़ जाते हैं उस निसर्ग के साथ। हम निसर्ग के ही तो एक भाग है, बस। इसी तरह निसर्ग बनते रहते हैं। हम पेड़ की तरफ जब देखते हैं तो कितना आनंद होता है, क्योंकि पेड़ हमेशा देते रहता है। उसी तरह से हमें सीख लेनी है कि इस तरह से हमारे अंदर शांति और प्रेम लेकर हम भी सबको प्रेम देते रहे, तो हमारे सिर्फ उनके साथ रहने से ही सभी लोग महसूस करेंगे उस शांति को जो हमारे अंदर है। फिर झगड़े की तो कोई बात ही नहीं। अगर हम ध्यान करने लग जाते हैं तो अपने आप हम रहने लगते हैं शांत, इस पेड़ की तरह, निसर्ग की तरह। निसर्ग यही करता है। सारे पशु पक्षी वनस्पति, हमारी धरती माता हर समय रहती है अपनी सांसों के साथ। इसीलिए पेड़ को कहा जाता है पूर्ण, पूर्णत्व है हमारे वृक्षों में। इसीलिए जैसे भी हम वृक्ष के पास जाकर या निसर्ग में बैठकर ध्यान करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर नहीं जा सकते वहां तो घर में बैठकर ही ध्यान कर लीजिए, तो आप जुड़ जाओगे उसी निसर्ग के साथ, उसी आपके जो प्यारे प्यारे वृक्ष है, जो गार्डन है, जहां भी कहीं जंगल में आपको अच्छा लगता है वहीं पर आप पहुंच जाते हो और उसी आनंद को लेने लगते हो। उसी ध्यान में, घर में ध्यान करते हो, और क्या चाहिए। थैंक यू सर। सांसों के साथ और विचारों से दूर, इसी तरह डूबे रहता है, इसी आत्म शांति में, इसी आत्मानंद में, बस। तो सभी तरह से मुक्ति मिलेगी, सभी अनचाहे विचारों से मुक्ति मिलेगी, सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलेगी, सभी तरह की तकलीफों से मुक्ति मिलेगी। भले ही कोई मन की तकलीफ हो, आपसी संबंधों की तकलीफ हो, यानी रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, बॉस के साथ हो, कलीग के साथ हो, कुछ भी हो, ठीक हो जाएगी। क्योंकि हम समझ जाएंगे अपने आप को कैसे शांत रखना है। और जैसे जैसे यह ज्यादा ध्यान करने लग जाएंगे तो
तो सबसे पहले हमारा काम का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, और उसी के साथ अगर अगली व्यक्ति हमें कुछ भी गलत बात कहती है, कितना भी क्रोधित है अगला व्यक्ति, तो हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे शांत रहना है, मैंने सीखा है ध्यान में शांत कैसे रहना है। बस जागृत अवस्था में जब हम अपने आप को ऐसी याद दिलाने लगते हैं तो धीरे धीरे आदत लग जाती है जागृत अवस्था में भी किसी भी परिस्थिति में शांत रहने, और जैसे ही हम शांत रहने लगते हैं तो उसका बहुत सारा असर होता है अगली व्यक्ति पर। वो कितना भी क्रोधित हो, कितना भी आपके विरुद्ध हो, आप देखेंगे बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। घर का वातावरण, ऑफिस का वातावरण, सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए इस ध्यान को कहते हैं सर्व सुख कारिणी ध्यान, सर्व सुख सभी, क्योंकि हम अपने मन को इस तरह से ट्रेन करते हैं, हमारी आत्मा पर लगे हुए कर्मों से हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। क्या है कर्म? सारे पूर्व जन्मों के कर्म, जो भी संचित कर्म है, हमारी आत्मा के ऊपर उसके साथ जुड़कर आते हैं। वही कर्म भावनाओं के रूप में बाहर आते हैं, भावना विचार के रूप में आती है, और हम वही विचार बोलते हैं या कृति करते हैं। वही होता है क्रोध, चिड़चिड़ापन या जो कुछ भी हम करते हैं, ये सारा परिणाम है। ध्यान करने से ये सब कुछ ठीक हो जाता है, इस विश्वास के साथ ध्यान करना है, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ। तो अपने आप ये परिणाम जैसा हम चाहे वैसे मिलने लगेंगे। हमें सिर्फ इस संकल्प में रहना है, इस संकल्प के साथ ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है कि मुझे तो सर्व सुखी होना है, सभी रोगों से मुक्त होना है, हमेशा शांत रहना है। और यही बात जागृत अवस्था में हमें याद आती रहेगी, समझने लगेगी तो मुक्त हो जाएंगे सभी तकलीफों से। कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, हमेशा हमारे साथ हमारी सांस तो है। कौन सी सांस? अंदर बाहर आने वाली सांस, जो ब्रेथ, वो तो हमारे साथ हमेशा है, और इसी सांस में छुपी है ये शांति, ये आनंद। बस और क्या चाहिए? अगर कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है तो कोई बात नहीं, कोई कठिन निर्णय लेना है तो कोई बात नहीं। जब आप ध्यानी बन जाते हो तो ऐसी कठिन परिस्थिति में शुरू में 5 मिनट ध्यान कर लीजिए, और उसके बाद में उस कठिन परिस्थिति का सामना कीजिए। सही सही मार्ग निकल आएगा, शांति से आप उसमें से निकल आओगे और उसमें भी यश पाओगे, ऐसे अनुभव आपको आते रहेंगे, बिल्कुल आएंगे। और इसीलिए यह ध्यान जो भगवान बुद्ध ने इसका संशोधन करके, तपस्या करके यह निकाला है, उसकी वजह यही थी कि वो सारी मानव जाति को सुखी करना चाहते थे, और वही उन्होंने पाया है। और इसीलिए इस ध्यान का प्रचार हजारों साल से भगवान बुद्ध करते आ रहे हैं, जो हम लोग भूल गए थे। वो 40 साल पहले हमारे ब्रह्मर्षि पत्री जी ने उसको फिर से जीवित किया है, और इसी तरह से जैसे भगवान बुद्ध करते थे उसी तरह से सभी देशों में इसका प्रसार कर रहे हैं, और सभी लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। क्योंकि अपने पिछले जन्मों में स्वयं पत्री जी भगवान बुद्ध के साथ थे, जब ओशो भी थे और पत्री जी भी थे, और इस जन्म में यही कार्य वो कर रहे हैं, उसी आनापान सती ध्यान को सारी मानव जाति तक पहुंचाना है, यही हमारा कर्तव्य है। स्वयं भी ध्यान करें, दूसरों को भी ध्यान सिखाएं, देखिए कितना बदलाव आएगा, सब तरफ पूरी जनता बदल जाएगी, पूरा देश बदल जाएगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी, और ये हो रहा है, हम देख रहे हैं।
14 जून को पूरे यूनो ने जब योगा डे एक्सेप्ट कर लिया है और क्या चाहिए, मतलब ऑफिशियली सारी मानव जाति ने, सभी देशों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमें यही करना है पूरे विश्वास के साथ। इसका रिजल्ट 100% है, लगे रहे सांसों के साथ, अपने आप के साथ, एक होकर, मैं ही सांस हूं, मैं ही सांस हूं, सांस ही मैं हूं, सांस ही मैं हूं, बस इसी तरह सभी रोगों से मुक्ति, सारे तनाव से मुक्ति, सभी तकलीफों से मुक्ति, सिर्फ सुख और शांति और आनंद। इसीलिए हम हैं, जब ध्यान में तो अनुभव करते हैं उसी आत्म शांति का, उसी आत्मानंद का, बस डूबे रहे इसी में, और कुछ दे, कोई भी आंखें न खोले, शरीर में जो कुछ भी होता है उसे होने दे, और लगे रहे अपने आप के साथ, एक होकर, हमारा पूरा शरीर मन और आत्मा एक हो गया है, हम जुड़ गए हैं उस निसर्ग के साथ, निसर्ग के उस आनंद के साथ, यही तो है आत्म शांति, यही है आत्मानंद, उसी में डूबे रहे। और कुछ समय आखिरी एक मिनट के बाद हम ध्यान से निकलेंगे। ध्यान से निकलने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, कोई भी आंखें ना खोले, लगे रहे अपनी सांसों के साथ, अपने आप के साथ, एक होकर पूरी तरह, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ। हर रोज यह ध्यान करना है हमें, जब भी समय मिले, 24 घंटे हैं हमारे साथ, इतना ज्यादा समय ध्यान करेंगे उतना ही फायदा पाओगे, ज्यादा ध्यान करने से कोई अपाय नहीं होगा। और रात को सोने के पहले जरूर जरूर इस ध्यान को करना ही है, बेड पर बैठकर ही 5-10 मिनट ध्यान कर ले, ध्यान करते करते सो जाएं, तो हमारी नींद बन जाएगी योग निद्रा, और सुबह निर्धारित समय पर पूरी तरह तरोताजा होकर उठेंगे। फिर दिन भर जब भी समय मिले ध्यान कर ले, बस यही है सर्व सुखकारिणी ध्यान। 30 seconds।10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ दोनों आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और बहुत ही आराम से आंखें खोलना है, टेक योर टाइम टू ओपन द आईज वेरी स्लोली। एक ग्लास पानी पी सकते हैं।
Wonderful meditation, sir. Thank you so much. Wonderful. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे अपने आप के लिए. Yes, sir. Yes. Thank you. कैसा लग रहा है? मस्त है सर. Yes, sir. Yes, yes, yes. Shivaram, sir. Thank you. अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर. पापा अनम्यूट मत ले रहे ना. इधर डाला पंडे इतना पन्ने. डाले. ग्रेटिट्यूड पंडे इतना पन्ने. उसको हिंदी नहीं आता है. आप ट्रांसलेट कीजिए. आप बोलिए. आप बोलिए. आप ट्रांसलेट कीजिए. पापा इधर डाला पंडे इतना पन्ने. पंडे. बहुत अच्छे हो गए. हाँ. गुरुजी बहुत अच्छे हो गए. हाँ जी. थैंक यू. बहुत अच्छा हो गया. पसंद हो गया. ओके. अरे वाह. गुड गुड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. गुरुजी थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सर. बस करते रहिए. यस यहाँ पे. यस यस. मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ. लीला जी बोलिए. लीला जी. यस. अपने आप को अनम्यूट कीजिए. लीला जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए. विद्या जी. विद्या जी ने हैंड रेस किया था. लीला जी. यस यस. विद्या जी नहीं. बहुत अच्छा लगा ये. थैंक यू. बहुत ज्ञान मिला आज. बाकी भी बहुत सारा मिला. वैसे तो सौम्या जी बहुत अच्छा लेते हैं. हम खुश हैं उनके साथ बहुत. फिर आपने आज जो उसके बारे में बाकी भी इंफॉर्मेशन दी वो बहुत अच्छी थी. आज ज्यादा ये बढ़ गया मीन्स उसके बारे में ज्ञान के बारे में. थैंक यू. यस यस. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ज्ञान है उसके पास. हम लोग भी सब लोग धीरे धीरे वो ध्यान हम लेंगे. मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. यस मेधा जी. अगर नहीं है ध्यान करने के बाद ऐसे कुछ उसका इफेक्ट मीन्स वाइब्रेशन ये वो आना चाहिए. इसका कुछ ये उसके लिए वॉश करना चाहिए. आना है नहीं आना है ऐसा कुछ होना चाहिए. नहीं ऐसा जरूरी नहीं है. आप इसके कोई एक्सपीरियंस के पीछे मतलब हो. एक बात पक्की है कि आपको ऊर्जा मिलती है और उसका हमें शरीर में पता लगता है कि ऊर्जा आ रही है. वो हमें फील होती है. ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है बस. और फिर उसके बाद में कभी आपके शरीर में किसी जगह पर दर्द नहीं है फिर भी थोड़ा दर्द हो सकता है. कभी थोड़े चक्कर आ सकते हैं. कभी आंखों के सामने कोई लाइट दिखा सकता है. कभी कुछ ऐसा अंधेरा दिख सकता है. इस तरह के 5-6 तरह के तकलीफ. पीठ में कभी दर्द होगा. कभी पैर में होगा. कुछ भी. और आपको लगेगा अरे मैं तो कभी ये दर्द नहीं था ये कैसे हो गया. तो इसका यही मतलब है कि आगे कुछ वहां तकलीफ आने वाली थी जो पहले ही आपकी ठीक हो रही है एडवांस में. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले तकलीफ आती है अपने बाहर के शरीर में ऑरा के अंदर में और उसके बाद में वो शरीर में घुसती है. तो ध्यान में हम क्या करते हैं हमारी ऑरा को पहले क्लीन करते हैं उसके बाद में वह ऊर्जा हमारे शरीर को क्लीन करती है. और इसीलिए जैसा ब्रह्मरंध्र हमारा यहाँ पर होता है वो खुल जाता है ध्यान करते समय. जैसे इसीलिए विचार कम करते हैं तो यह खुल जाता है और बाहर से विश्व शक्ति का प्रवेश होता है. तो यह विश्व शक्ति पूरा ठीक करती रहती है. एक्चुअली इट इज जस्ट ए क्लींसिंग ऑफ द बॉडी. इन रियलिटी पूछो तो ये शरीर के अंदर में सर्जरी होती है. जब मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया जब उसके बाद में मैंने स्टडी करके देखा तो इट वॉज ए लिटरली ए सर्जरी होती थी. इसलिए मुझे सब दर्द होता था. ये मेरे बाद में समझ में आया कि क्यों होता था. जैसे हम एक्चुअल सर्जरी जब होती है तो डॉक्टर हमको कुछ देते हैं मेटा क्या नाम वो दवाई देते हैं ताकि हमें पेन फील ना हो. लेकिन यहाँ पर तो ये जो सर्जरी अपने आप होती है अंदर से वो ऊर्जा वो ठीक करती है. जहां पर भी वो नलियां है हमारे स्नायु है रक्तवाहिनी है उन सबको ठीक करती रहती है. क्योंकि वो ऊर्जा आती है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो रेगुलेट होती है. और एंडोक्राइन सिस्टम का जो
सेंटर है वो यहाँ से होता है, हमारा थर्ड आई, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होती है सबसे पहले, इसलिए आपको जैसे जैसे होगी यहाँ पर टिंकलिंग होता है, ये सबसे पहले होता है। यानी सबसे पहले 40 दिन आप जब ध्यान करते हो तो सबसे पहले हमारी थर्ड आई खुलती है, जिसे हम कहते हैं कि थर्ड आई मास्टर बन जाते हैं आप। फिर आपकी सिक्स सेंस बढ़ जाता है, आपको अपने आप पता चलने लगता है अपने बारे में, दूसरों के बारे में। आप यही बैठ के, भले आप शारजा में बैठे हो और घर में क्या हो रहा है आपको पता चलेगा, 2 मिनट में लगेगा, अरे उसका फोन 2 दिन से बात नहीं किया, और नेक्स्ट मोमेंट यू विल गेट ए कॉल फ्रॉम हिम। ये ऐसा होने लग जाएगा जैसे आप ध्यान करने लग जाओगे। वो विचारों की तार इंडिया में और शारजा में आप अपने आप चले जाएगी और आपके समझ में आने लग जाएगा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आप समझने लग जाओगे। ऐसे कई फायदे हैं ध्यान के। थैंक यू। यस, और कोई? सर हेमा जी बात करना चाहती है। यस हेमा जी। हाँ सर, हेमा जी बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना सुंदर आपने बताए, आज मेरे और लॉक सिस्टम खुले और मैं 2 पास लाइट देख के आई। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 पास लाइट देख के आई और अब तो ऐसा लग रहा है कि ये ध्यान ही हमारे लिए सब कुछ है। ओ बिल्कुल बिल्कुल, वही है, सही बात है। सर आपने आज हमारे को इतना अच्छा यानी डीप लेके गए और इतना ध्यान में अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा है कि मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो मैं अंदर गई हूँ, जो मुझे पास लाइफ में दिखा है, मैं बोलने बैठूंगी तो मेरे 15-20 मिनट लग जाएंगे। सर आपकी एनर्जी हमारे को इतनी ट्रांसफर हुई है, शारजा वालों को धन्यवाद, पत्री सर को धन्यवाद, कुलकर्णी सर को धन्यवाद, यामू जी को धन्यवाद, सबको धन्यवाद, सौम्या जी को धन्यवाद, शारजा की जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। सर बाकी एक क्वेश्चन है जो आपने बताया कि जिसको अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है या फिजिकली लेवल में बहुत प्रॉब्लम है तो उसको फोटो निकालने के लिए पहले फोटो निकालो, फिर ध्यान कराओ, फिर फोटो निकालो, तो ये कहाँ होता है, कैसे होता है, मुझे थोड़ा सा बताओ। हमारे पास वो जो नरेंद्र डेमडा आपको मैंने बात करवाया था उसका करना है। ये पुणे में करते हैं, MIT इंजीनियरिंग कॉलेज। ये काफी आप वेबसाइट में बताता हूँ आपका, आसान है। MIT इंजीनियरिंग कॉलेज आप गूगल पे डालिए तो सब कुछ मिल जाएगा। पुणे में है अभी शायद वो। एड्रेस मैं आप स्क्रीन पर लिख देंगे, एड्रेस एक्सचेंज करेंगे। हेमा जी मैं आपको फोन पे सब बताती हूँ। थैंक यू सो मच हेमा जी, थैंक यू सो मच सर। वो उनके उनके वो लड़के के लिए बहुत भला करना पड़ेगा, बहुत बहुत लड़का वो करेंगे करेंगे। यस 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 योगेश, उनके बाद अर्जुन, अर्जुन मैडम करके है। यस योगेश, यस योगेश। हाँ हेलो सर। हेलो, यस, नाइस टू सी यू योगेश। यस, and sure. I'm very happy to say that the session was very good. एकदम कमाल का सेशन था और मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को ध्यान लगा। थोड़ा बॉडीलेस हो रहा था, इस स्टेज तक मैं जा पाया। यू हैव टेकन मी वेयर यू टुक मी, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस ऑन दिस, बट टुडे आफ्टर सो मेनी डेज दैट आई वाज नॉट एबल टू डू ध्यान, आई वाज ओनली एबल टू डू इट फॉर 2-3 मिनट्स ओनली, but today I was able to sit for 30 minutes and I was able to experience those good things which I used to experience when I used to sit in pyramid and do it. So thank you very much, sir. It was wonderful session. Yes. I will request everyone to keep on coming again and again and keep on doing this meditation, because what experience I have received now, I also feel that everyone should get the same type of good experiences again and again continuously. Thank you, sir. And thanks Yamuna as well, and the entire team. Thank you so much, Yogesh. सबसे बड़ा thanks तो सौम्या और इनकी पूरी टीम को है, को जो इतने patience से यहाँ पे ध्यान के लिए इतने क्या बताऊँ मैं इनके टीम के लिए, I don't have any words. मुझे आपको आपसे मिलके, आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है कि you are not a common soul, my dear masters. You are very, very great soul. Thank you so much to giving us this opportunity. Thank you so much.
Yes, Arjun, ma'am, please. Special, you are special. Sir, yes. I am Sunita. I have started learning meditation from my friend Soumya. Today I listened to your meditation class. It's really awesome. And I can understand Hindi very well, but I can't express, talk fluently. I have one doubt. When doing meditation, how do we know we are doing correctly? That you can tell in Hindi, sir. I can understand that one. Whether it is What was your experience now? What did you feel now? Yeah, it's really peace and going very fine. I want to know whether we are doing correctly or not. How do we know? Like that, I'm saying. See, this meditation, it's only the process that you have to involve. You don't have to go for any measurement. Like there is no thermometer where you say, yes, itna temperature to correct. That's not the case. This is so simple that saans jo aa rahi hai uske taraf dhyan do. Koi bhi vichar aata hai, so aane do, jaane do, saans ki taraf dekho bas. So once you are in this process, you are doing very well. There is guaranteed success when you do the process correctly. That's all. It's so simple. It is just like any driving. Shuru mein aapko lagta hai ki main sahi chala raha hu, nahi chala rahi hu. Lekin ek bar aadat lag jati hai, फिर तो आप उठ के फिर सोचते नहीं है कि मैं कौन सा गियर है, कौन सा क्या है, क्या है. We don't have to see anything. Like that, this is a very easy technique. तो आप कभी भी इस ध्यान को करिए तो ये बात मन से निकाल देना कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा. Forget about all those questions. As long as you have understood the process of the meditation, which is very easy, you are doing perfectly all right. And you will get all the results which you intend to. As per your intention, you will get the results. This is another beauty. This is called power of intention, which increases. And you are able to manifest your intentions by doing this meditation. That is another great thing which you will experience slowly. Okay? Thank you, sir. Very good. Thank you so much, madam. Sir, मुझे सबसे ज़्यादा ये जो शारजा की टीम है वो बहुत अच्छी लगी, और यहाँ पे जो विद्या प्रभु जी है जो दोनों एक साथ बैठे थे, और यहाँ पे जो सोम्या का फैमिली है जो सात आठ जन एक साथ बैठे हैं, हम सब उनके सबके लिए इस शारजा टीम के लिए हम तालियां बजाएंगे सबके लिए. मैं बहुत मतलब मेरा सौभाग्य है. आई एम सो ग्रेटफुल टू सी यू एंड आई एम विद यू. आई एम थैंक यू सो मच. आई डोंट हैव एनी वर्ड्स. हम लोग भी हैं मुझे, हम लोग ग्रेटफुल है क्योंकि आप आके हम लोग को गाइड कर रहे हैं, आप और श्रीकांत सर भी, इसलिए हम लोग हार्टली थैंक्स. हार्टली मी टू थैंक यू. We all love you, Sharjah also. Thank you. Lila ji, आप बताइए कुछ आपका. लीला जी, अमृत जी दारवारकर. Thank you. I raised my hand twice, but I think they didn't notice. Yes. I really feel blessed to have attended it. I've been with Sharjah for some time now. And she's doing a great job. We started with half an hour meditation, and now we are doing for longer. And we all enjoy on a personal level. All had a lot of experiences. And like me, I have been stuck in condolences for a long time. Yeah. Not as clear as yours, but because I was in the teaching profession for a long time, so that's a professional hazard. Occupational hazard and because of the correction. So that is almost gone. Like you said, I felt the pain there. I used to see somebody spread hard and it was really painful. But after a while, it would just go away or make a sound like cut and the pain would go away. So yes. We are all enjoying it. We are very grateful to Sonia. She sounds more than an hour for us every day, which is very nice of her. Thank you. Yamuji. Thank you, madam. Great. Vidya Prabhu. Yes.
First of all, thank you so much for giving such a wonderful experience. इस मेडिटेशन शुरू करने के पहले मेरे राइट आई में थोड़ा विजन प्रॉब्लम था. शुरू करते 15 दिन में ही मैं पूरा दिन जब मैं मोबाइल यूज करती थी या टीवी देखती थी, मैं चश्मा यूज करती थी. इस शुरू करके 2 हफ्ते में ही मैं अब यूज ही नहीं करती हूँ, चश्मा यूज ही नहीं करती हूँ. प्रभु जी बोथ कपल आई थिंक इज ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आप दोनों साथ में करते हो, दिस इज वेरी ग्रेट थिंग. फैमिली पूरा साथ में करना है. गुड हाजी, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इधर दो जन है, निशा एंड विद्या, दोनों मेरा साथ जोड़ा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड गुड एक्सपीरियंसेस दे हैव, वेरी गुड. सोचा था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इतना अच्छा एक्सपीरियंस अब हो रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं ग्रुप में कोई और हो ना हो, हम लोग तो जरूर कंटिन्यू करेंगे. प्रभु जी को बताना है मुझे कि दे शुड टेल देयर मोर फ्रेंड्स नाउ विथ योर ओन एक्सपीरियंस. सो गुड स्वाति जी, इट बी इजी फॉर यू टू ज्वाइन मोर पीपल. एक्चुअली सोम्या ने मुझे इस बारे में बताया है, तू इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर रही है तो बैंगलोर में तेरे अपार्टमेंट में तू थोड़े तेरे दोस्तों को मिलके शुरू करो ये सेशन, क्योंकि इसकी वजह से बाकी लोगों को भी फायदा हो. करेक्ट करेक्ट, जितने ज्यादा लोगों को हम सिखा सके ना उतना आपको और फायदा होगा इसका. यस यस सर, आप धीरे धीरे ये मेडिटेशन जैसे सिखाओगे ना इसको स्प्रेड करना है, दैट इज द जॉब. रोज ही जो हम लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं सौम्या जी के साथ में बहुत अच्छा रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. लेकिन बस ये लग रहा है, मुझे एक बात पूछनी थी कि कभी कभी ऐसे लगता है जैसे नींद आ रही है तो ऐसे झटका सा लगता है, तो वो सब ठीक है या कुछ problem? नहीं, सब ठीक है, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम. वो ऐसे होता है शुरू शुरू में, शरीर को जिस बात की आवश्यकता है वैसे वो शरीर एक्ट करता है. तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि शरीर में जो कुछ भी हो रहा है होने दो. तो शुरू शुरू में जब तक नींद की आवश्यकता है, नींद पूरी नहीं होती है, तो उस समय ऐसे लगेगा, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी नींद बहुत कम हो जाएगी और काम के लिए बहुत समय रहेगा आपको. ठीक है, थैंक यू सर, चलेगा संडे, लेकिन आपको बढ़ाना है. हाँ सर, हाँ सर. एवरी वन ऑफ यू हैव टू ऐड एवरी टाइम मिनिमम 5 पीपल, तो 20 के 100 हो जाएंगे, है ना? ये टारगेट आपको रखना है. बहुत इंडियन से वहां पर, तो थैंक यू. यस, थैंक यू. एवरी संडे संडे हमारा भी भला. ये आशा जो है ये हमारी सीनियर मास्टर है. ये कौन से भी टाइम पे आप अगर इनको बोलेंगे कि ध्यान सिखाने जाना है तो पर्टिकुलर टाइम पे 41 डेज, एक दिन नहीं सिखाती है वो, 41 डेज उस घर में जाके उस फैमिली को ध्यान सिखाने, ये और नित्या आंटी दोनों का जोड़ी है. और मैं इनको हैट्स ऑफ करती हूँ कि एक दिन भी कुछ भी हो जाए, उनको बुखार आए, कुछ भी घर में प्रॉब्लम हो, 41 डेज लगातार वो किसी मास्टर के घर पे जाके नए लोग को ध्यान सिखाते हैं. तो आशा जी के लिए हम सब तालियां बजाएंगे और कुछ सुनना चाहेंगे. आशा जी, आशा जी कन्नड़ में बात करेगी? हाँ
यहाँ पे सब कन्नड़ है इसलिए आशा जी सौम्या से हाँ जी सौम्या हाँ बोलिए सौम्या के हाँ निक 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 मस्त थैंक्स आवा ఎంకులు 10 గంటలకు ముల్త ఆ 10 అని చెప్పి 10 రాడారు అన్నమాట ముల్త అల్తా నీకు ఇండియన్ టైం నిన్న నీకు అల్తా ఎంకలంత 10 11 అచ్చా అచ్చా హా 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 యాన్ కోడి కుల్కర్ణి సర్కు పండిటాను సోమేడిక 12 వందదు ఎం కొని క్లాస్ ఎటన ఉండన్ అన్నమాట ఓకే గెతున్నే ఎంకల ఖుషి హా హా 10 దినక ఏపాన వొన్న ఎమ్న జీని యాడ్ మందే ఇరెన్న యాడ్ మంతరడ పంప నంబర్ మంతర thank you so much avul namma ulu bejanulle avul namma urda kulichir pura maharashtrians anda yani ne tulida kulittena panka kalada odittena panka ninnu at madhyana yani enkada illada kali pura ketamme and i must jana jir must jana endam an pole dinama ye jana pe madhyana madhyana unji 10 aaj 7 jana ate ha malle ji yan gitame takale kulukune karada ninge tulugitame okay panda maradakle mokmat mokul ulle irta maradakle matta annan kanadakle boda puna annan thank you okay, so much thanks yani number gitume emojida yeah thank you so much papa ji nina papa panna kannu muchukale kulundiya okka ra okka niranna pura apun panna aa kudonde माधुरी जी कुछ कहना चाहती है अपना वीडियो ऑन कीजिए माधुरी जी प्लीज यस हाय आपकी आवाज नहीं आ रही यू आर नॉट ऑडिबल माधुरी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है यस माधुरी जी यस नेटवर्क प्रॉब्लम ओके यू कैन यू राइट इन चैट बॉक्स प्लीज यस या नमस्ते माधुरी जी उनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है नो इश्यू ठीक है आप यस वर्षा जी हेलो यस वर्षा जी हाँ सौम्या जी और सारजा टीम को धन्यवाद जो उन्होंने हमको उनसे जुड़ा आज उनसे जुड़ने का मौका दिया ऐसा ही मौका दीजिए सौम्या हाँ आज अब ऐसा ही मौका हमें दे दीजिए बार बार बहुत अच्छा लगा टीम के तरफ से मैंने शॉर्टली किया तो हमारी पूरी मुंबई टीम नहीं आ सकी लेकिन कुछ लोग तो आए हैं शॉर्ट 15 मिनट के मैसेज में और सब लोग खुश है मुंबई टीम आपसे मिलके थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय टीम थैंक यू सो मच यस चिरंजीवी सर भी है गुजरात से तो आपका संदेश है yes, चिरंजीवी सर यस ज्योति सबसे पहले मैं मुंबई के पितामह हमारे श्रीकांत कुलकर्णी सर को मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा सेशन लिया है और बहुत ही अच्छे से गाइड किया बहुत अच्छा मेडिटेशन दिया और ध्यान के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से बताया तो हमको भी बहुत अच्छा लगा मैं सभी सारजा के सभी ध्यानियों से नम्र विनती करूंगा कि सर ने जो भी कहा है उस सभी चीजों का पालन आप करेंगे और नियमित ध्यान करते रहेंगे तो सब कुछ हम पा सकते हैं जैसे श्रीकांत जी ने सर ने कहा है कि ध्यानम सर्व रोग निवारिणी ध्यानम सकल भोग कारिणी ध्यानम सत्य ज्ञाना प्रसादिनी ये कहने में तो वो आसान लगता है लेकिन ये वास्तव में है इस दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं है जो ध्यान से दूर नहीं होता है इस दुनिया का ऐसा कोई भोग नहीं है जो ध्यान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते इस दुनिया का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो ध्यान से हमको प्राप्त नहीं होता है तो बस ध्यान कीजिए बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा सुनना कम है करना ज्यादा है ध्यान एक साधना है ध्यान के साथ में जुड़े रहने से सब कुछ मिल जाएगा
हमें बहुत खुशी होती है कि आप शारजा में रहकर के हमारे साथ में जुड़े हुए हो और ध्यान करते हो एक दूसरे के साथ में जुड़ करके इस तरह का जूम सेशन में लोगों से ज्ञान सुनने के लिए ध्यान सीखने के लिए आपकी जो जुड़ना सा है मैं उसे सलाम करता हूँ। बस आप लोग इसी तरह से ध्यान करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू चिरंजीव सर। थैंक यू सो मच। प्रकाश सर। थैंक यू बाबा। नमस्ते सर। हम बैंगलोर से, हम सोमिया के कजिन है। हमारे घर में 11 लोग है। हम जीजू है सोमिया के। हमें पता नहीं था इतना साल सोमिया से जानकर भी सोमिया इस तरह की कुछ ध्यान चीजें कर रहे थे। तो हम पिछले 2 महीने से कर रहे घर में, तो हमें काम में बहुत लाभ हुआ है। मैं हेडेचर जैसे काम करता हूँ बैंगलोर में, मेरा भाई छोटा भाई वाइस प्रेसिडेंट काम करता है, तो हमें स्ट्रेस ज्यादा रहता है काम का, बट ये करके हमें बहुत लाभ मिला है। काम भी अच्छी तरह कर पा रहे हैं और घर में भी अच्छी तरह वातावरण है हमारा। तो सोमिया को एकदम थैंक यू। हम और तरह का चीजें और करेंगे सर। यस थैंक यू। गुड एक्सपीरियंस सर। थैंक यू सो मच। वेरी ग्रेट। थैंक यू। गुड। थैंक यू। वेरी गुड सर। थैंक यू सर। ज्योति सर का हैंड रेस था। यस ज्योति। हाँ आपका लिंक देखा तो उसको ज्वाइन कर दिया। वेरी गुड। तो उनका भी सीखना आज हो गया। अरे वाह। गुड गुड गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। यस गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। थैंक यू। निशा जान। निशा थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्योति सर। थैंक यू सो मच। वेरी गुड जॉब। ओ थैंक यू निशा जी। एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके सर। मेरी बेटी भी कर रही है वो, तो अच्छी बात है। ओ गुड गुड गुड। क्या नाम है उसका? नहीं आती सर बेटी उसका। हाँ वेरी गुड। हाय। 8th स्टैंडर्ड है अभी। डेली 1 घंटा बैठती है हमारे साथ। क्या बात है। क्या बात है। वेरी गुड। Great, congrats. Yes, sir. Thank you. So nice. Thank you. Great, great. How am I, Kelly? Hello. Hello, Betty. Great. Thank you, sir. Thank you. क्या नाम है आपका? मान्या. मान्या, sir. मान्या. Wow, great. Yes, you are a very bright student, Mania. Great. Great soul. Very good, very good. Sir, congrats. Sir, she is a rising master, sir. She is a rising master. Yes, rising master. Thank you, yes, thank rising you. Star. Rising star. Rising very star. Yeah, yeah. Yes, good, good. Thank Hina you. Ji, Hina Ji. Charger se Hina sound. Ji. Hello. Namaskar, sir. Namaskar, namaskar, Hina Ji. Haan, bahut achha laga aapse gyan mila, dhyan ke baare mein information jaan ke bahut achha laga. ऐसे ध्यान करते करते ऐसे बहुत हल्का होता है, ऐसे लग रहा है शरीर एकदम। ओके गुड गुड गुड। वेरी गुड। ये अच्छी बात है, ये ध्यान का परिणाम है ऐसा होता है। इट इज गुड। बहुत अच्छा है। आपने बहुत आज अच्छे से समझाया। बहुत अच्छा जानना मिला। आप एवरी संडे आते रहिए और हमें गाइड करते रहिए। यस ओके। थैंक यू सोमिया जी। थैंक यू श्रीकांत। थैंक यू। Thank you. Thank you all of you. Next, Pritija ji, Bhakti ji, sir se. आपको unmute की हाँ. Thank you sir. बहुत अच्छा experience था. Thank you. Thank you. Daily सोमवार जिससे भी बहुत अच्छे से हमको miss अभी उनसे हम सीख रहे हैं. बहुत अच्छा लगता है उनके साथ भी करना. जी हाँ. But आज का आपका experience बहुत अच्छा था. Memorable था हमारे लिए और ऐसे आपको मार्गदर्शन चाहिए आगे भी. ऐसे जरूर जरूर मिलेगा। हम आपके साथ ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप ध्यान करते रहे ये सब ध्यान ही आपके साथ रहेंगे। जरूर सर। गुड गुड। वेरी गुड। कांग्रेट्स। थैंक यू। वर्षा जी। यस यमू जी। वर्षा जी को यस प्रीता किया किया मैंने। ओके यस। हां नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते वर्षा जी। बहुत अच्छा लगा आज
थोड़ा अलग एक्सपीरियंस, थोड़े कलर कलर अलग अलग कलर्स दिख रहे थे. वाओ ओके. मेरे से भी बहुत अच्छा लगता है और आज भी अच्छा लगा. थैंक यू. गुड गुड. थैंक यू थैंक यू कलिका जी. हाँ नमस्ते सर. नमस्ते सौम्या जी. नमस्ते नमस्ते. आप सबके उपस्थिति में सौम्या जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतने शी इज वेरी पंक्चुअल इन टेकिंग दैट सेशन. हर रोज करना सबको संभाल के मतलब फैमिली को संभाल के. थैंक यू थैंक यू. हमारा पंक्चुअलिटी मतलब मेरे में पंक्चुअलिटी बिल्कुल नहीं था. ध्यान ऐसे ही कब से करना, 5 मिनट रोज बैठना भी कब से मन में था, पर ये अभी बहुत दिनों से हो रहा है. तो थैंक यू. वेरी गुड गाइडेंस. थैंक यू. ऐसे ही सबका साथ मिलता है तो सो जाता है. हाँ सर अब सब साथ में मिल रहे हैं. अब आगे चलेंगे. यस साथ में ही होता है. गुड. यस सर. बहुत बढ़िया कर रही है आप. ग्रेट. कंटिन्यू कीजिए. योगेश वांट्स टू से समथिंग. यस योगेश. यस नहीं नहीं काय नहीं काय नहीं. आई वाज जस्ट लिसनिंग. ओके यू रेज योर फिजिकल हैंड दैट्स व्हाई. या या ओके ओके योगेश. थैंक यू. पुणे में कहां है सेंटर? पुणे में है. हां पुणे में है ना. पुणे में ये ऑनलाइन दो जगह पे चलता है. एक हमारा पीएमसी मराठी है जो हिमांगी मैडम चलाती है, और एक है वो जोशी सर चलाते हैं. दो दो चलते हैं वहाँ पर ऑनलाइन. और फिजिकली भी वहाँ पर बिब्बेवाड़ी के पास और काफी सेंटर है वहाँ पर. दूसरा गजानन महाराज मंदिर है ना चावदे सहकार नगर, तिथे एक मोठं सेंटर है त्याच्याजवळ. तर ते खूप लोक आहेत पुण्यामध्ये. तो बरेच सेंटर आहेत आणि आता ऑनलाइन हे दोन्ही चालले. ते मराठी मध्ये असतात पुण्यात. मुंबईच आमचं हिंदी मध्ये असत. आम्ही सौम्यजी जवळ पाठवून देऊ त्यांचा ऍड्रेस तुम्हाला. यू कॅन सध्या तिथल्या लोकांना सांगा तुम्ही जॉईन कराल. ओके अच्छा लागेल तेव्हा विचार. थैंक यू सो मच विद्या जी. थैंक यू सो मच. यस मेधा. यस मेधा कुलकर्णी मैडम. यस मेधा जी बोलिए. नमस्कार सर. आणि आम्हाला मुलुंडचा पण ऍड्रेस पाठवला तर बरं होईल. मुलुंडचा. यस यस. मी आता ग्रुप मध्ये तुम्हाला शेअर करते आणि एक व्हिडिओ शेअर करते. मी एक दो व्हिडिओ मी शेअर करूंगी. उसको जरूर सब लोग देखना. मैं भी ग्रुप में डालूंगी. थैंक यू सो मच. आज का यूट्यूब का भी हमारा ग्रुप में पिन. या मैं अपलोड करूंगी और डालूंगी. ओके. Thank you so much, all of you, my dear masters. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Love you all. Yeah, love you. Yes, yes, yes. Yes. Thank you so much. Thank you. Bye. Okay, bye bye. Have a wonderful day. Bye bye. Thank you. सौम्या जी इन सबको हमारे पत्री सर से जरूर मिलवाइए. हाँ सर. ये मुझे आपको ने ऐड किया है. ओके. पत्री सर जब आएंगे 5 बजे उनका सेशन रहता है शाम को, तो आप सब लोग जरूर उनसे मिलिए. वो बहुत खुश हो जाएंगे आपसे मिलके. जिन्होंने हमें ये ध्यान सिखाया है वो हमारे परम पिता ब्रह्मर्षि पत्री जी. हर रोज 5 से 6 एवरीडे नहीं, हफ्ते में 2-3 बार आते हैं. तो आप जरूर उनसे मिलिए और जरूर उनसे रूबरू बात कीजिए. आपको बहुत अच्छा लगेगा. माय डियर ऑल मास्टर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. कला बोलिए. थैंक यू. बाय कला जी. थैंक यू. बाय बिजी थी. सॉरी. हां मैं सब सुन रही थी. मैं अच्छा लगा. ध्यान भी किया. बहुत दिनों के बाद मिली आप. हां ध्यान भी किया मैंने. लेकिन वेरी गुड. चलो अच्छा है. बहुत दिनों के बाद मिली आप. थैंक यू. थैंक यू. आशा जी आती जाएगी आपको कन्नड़ में बातें करते जाएगी. आशा जी याद रखना. बॉम्बे में पुणे में दादा. यस ओला. यस सर. ओके सर. कैन वी क्लोज द सेशन सौम्या जी. थैंक यू.